पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अमित शाह की रैली, ममता बनर्जी को घेरा, कहा ममता के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ममता ने बंगाल को कर्ज के बोझ में डुबा दिया। अमित शाह ने जल्द सीए लागू करने की बात कही, बोले ममता चाहती हैं घुसपैठ चलती रहे। अमित शाह ने ममता पर बंगाल की अर्थव्यवस्था बर्बाद करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी का अमित शाह पर निशाना, कहा गृहमंत्री दिल्ली हिंसा की चिंता करे, बंगाल की चिंता की जरूरत नहीं। ममता ने कहा कि बंगाल में सीएए कभी लागू नहीं होगा, शाह सपने देख रहे हैं, सीए कभी लागू नहीं होगा। हरियाणा के करनाल से 4 आतंकी गिरफ्तार हुए, आरोपी के पास से 3 आईईडी बम और 31 कारतूस बरामद हुए, 1,22,000 रुपए जब्त हुए। करनाल से गिरफ्तार आतंकी के पास से मिला करीब 2.5 किलो आरडीएक्स। करनाल साजिश को लेकर हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल का बयान, का हरियाणा पंजाब और केंद्रीय एजेंसी का ज्वाइंट ऑपरेशन। करनाल से आतंकियों की गिरफ्तारी पर बोली हरियाणा मुख्यमंत्री, का हरियाणा से जाते वक्त बारूद के साथ पकड़े गए आरोपी। करनाल थाने में हो रहा है आरोपियों का मेडिकल, ट्रॉमा सेंटर के सीनियर डॉक्टर थाने पहुंचे। करनाल से पकड़े गए आतंकियों की रिमांड, 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए चारों आतंकी। मिजोरम के लावंगटंग लाई में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 2 लोग गिरफ्तार हुए। 13 दिन बाद राणा दंपति जेल से रिहा हुए, नवनीत राणा को जेल से अस्पताल पहुंचाया गया। जेल से रिहा होने के बाद सामने आई सांसद नवनीत राणा की तस्वीरें, लीलावती अस्पताल में इलाज जारी। रवि राणा तलोजा जेल से रिहा हुए, हनुमान चालीसा लिए कार में दिखे रवि राणा। रवि राणा को मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया, पति को अस्पताल में देखकर भावुक हुई नवनीत राणा। कल से होगी ज्ञान वापी परिसर की वीडियोग्राफी, 10 मई को दाखिल होगी रिपोर्ट। वीडियोग्राफी में दोनों पक्षों को कमीशन का सहयोग करने का आदेश। विधायक जिग्नेश मेवाणी को 3 महीने की जेल, 2017 में बिना इजाजत रैली करने के केस में सजा हुई। टाइम्स ऑफ नवभारत के पास जोधपुर हिंसा के FIR कॉपी। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने RSS पर लगाया दंगा भड़काने का आरोप। राजस्थान के अलवर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार पर नहीं है भरोसा। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने जोधपुर हिंसा को लेकर राजस्थान सरकार पर बोला हमला। जोधपुर हिंसा को लेकर अशोक गहलोत पर शहजाद पूनावाला का वार, कहा वोट बैंक के लिए दंगाइयों को बचा रही है कांग्रेस। सीएम गहलोत के दंगे वाले बयान पर बोले बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर, कहा भले ही करौली और जोधपुर हिंसा को दंगा ना माने पर कानून के मुताबिक ये दंगे हैं। राजस्थान के दंगों और मंदिर तोड़ने के विरोध में बीजेपी की जन हुंकार रैली। राजस्थान के अलवर में थाली बजाकर सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। महबूबा मुफ्ती ने सरकार को फिर घेरा, कहा हिंसा भड़काने वालों को बीजेपी का समर्थन है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश के परिसीमन के अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में बिजली सब्सिडी में दिया जाएगा विकल्प। दिल्ली कैबिनेट में स्टार्टअप पॉलिसी मंजूर, सीएम केजरीवाल ने कहा स्टार्टअप के लिए सरकार मदद करेगी। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। चंपावत विधानसभा उपचुनाव में धामी बने बीजेपी के उम्मीदवार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ऐलान, कहा 2 अक्टूबर से शुरू करूंगा 3,000 किलोमीटर की जन सुराज यात्रा। पीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताई पार्टी के ऐलान की संभावना। प्रशांत किशोर ने चुनाव को लेकर बयान भी दिया। पीके के ऐलान पर हमलावर हुए बिहार के ऊर्जा मंत्री वेजेंद्र यादव। कानपुर में अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवपाल यादव फिर करेंगे अपनी पार्टी का पुनर्गठन। मुंबई के टिम्बर मार्केट में लगी आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली की अमर कॉलोनी के रोड रेज की घटना। हैदराबाद में दूसरे धर्म में शादी करने पर युवक की सरेआम हत्या की गई। हैदराबाद ऑनर किलिंग केस में 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपियों की पहचान की गई। हैदराबाद ऑनर किलिंग को लेकर विपक्ष पर भड़के शहजाद पूनावाला। जयपुर में डबल मर्डर से सनसनी, घर में खून से सने मिले शव। केदारनाथ मंदिर परिसर पहुंची बाबा केदारनाथ की डोली, कल खोलेंगे मंदिर के कपाट। गाजियाबाद में कोरोना के 111 नए केस मिले, 10 छात्र भी कोरोना संक्रमित। रूसी सेना ने फिर यूक्रेन के सैन्य वाहन और सामान नष्ट किए।